नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फिरोजाबाद नारखी थाना क्षेत्र कायथा में दो पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष, जिसमें दोनों पक्षों से 6 लोग हुए लहूलुहान, जिनको उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया। आरोप है एक पक्ष ने एम्बुलेंस को रास्ते में रुकवा कर मारपीट की वारदात को दिया अंजाम। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। लोकपाल, क्या बात हुई थी, पूरी बात बता। बात जी भाई, हमारी पहले जमीन दाब ले, जमीन वो एक प्लॉट घेर लिया और दूसरा हम एक बच्ची बनावे के चक्कर में तो और राय पर चूल चौका सगर फोट डाले। हमारे बाली बच्चे हम हारते आए रहे जी, अब थाने जा रहे, फिर अब कहें इस तरह कर आए तो बम्बा पे रोके ठाड़े, तब एम्बुलेंस भैया जी के आए, तब बैठारी के तब जी यहाँ आए के गाड़ी रुकवा के और तब फिर हमें चारों ने पैर रहा था। तो हमारे 3 बच्चा रह गए घर पे, छोटे 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 छोटे। कहाँ की बात है जी? कायथे की बात है। 3 बच्चा रह गए थे, क्या हुए अपने के? क्या बात है आपकी बात है? मतलब वो लोग, हम लोग ऐसे ही घर पर थे, वो 3-4 लोग हमारे घर पर चढ़ के मेरे घर पर इज्जत लूटने आए थे। फिर हम लोग रिपोर्ट करने के लिए थाने जा रहे थे, दोनों बीच में घेर कर सब लोग ले लेके खड़े हो गए मारने के लिए। एम्बुलेंस करवाई, तब उन्होंने उसमें एम्बुलेंस में घुस के मेरी इज्जत लूटी, कपड़े फाड़ दिए, मेरे घर वालों सबको, मम्मी पापा को, भैया को, सबको, मेरे भाई को मार डाला हुआ था, बच गया ने खून मेरा बह रहा है। दशहरीलाल बबलू और उसका बाप देव सिंह, ये 4 लोग थे। पुलिस को फोन किया, पुलिस नहीं आई? पुलिस को फोन किया, नंबर लग नहीं रहा है। पुलिस चौकी की पुलिस बदतमीजी के साथ, पुलिस के ही साथ वो आए थे। पुलिस ने गाड़ी रुकवा कर जो एम्बुलेंस उसी ने सब कुछ करवाया है पुलिस वालों ने। सिंह है, अलीपुर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, एम्बुलेंस का पायलट हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ था अभी? रास्ते में गाड़ी रुकवा के और इनको मारपीट की, गाड़ी बैड़ी बैड़ी लगा दी थी मेन रोड पर। तो उसमें पुलिसकर्मी भी साथ में थे क्या? हाँ थे।